अब रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध में घायल सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैनिकों का हाल जाना, वहीं उनका सम्मान भी किया गया और उनके साथ सेल्फी भी ली। जेलेंस्की ने इलाज कर रहे डॉक्टरों का भी सम्मान किया। रूस ने कीव समेत कई शहरों में बमबारी तेज कर दी है, वहीं यूक्रेन भी रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा कर रहा है। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की तस्वीरें हैं, जो अपने बंकर से बाहर निकलकर अस्पताल पहुंचे, वहां पर सैनिकों का हौसला बढ़ाया, उनके साथ सेल्फी ली, उनका सम्मान दिया। यूक्रेन के लिए खड़े होने के लिए हर सिपाही को उन्होंने ना ही सैल्यूट किया बट उनको सम्मानित भी किया। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आखिर तक वो लड़ेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, जिसके लिए वो सेना के कुछ अधिकारियों के साथ एक आर्मी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में चोटिल हुए सैनिकों के साथ बात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान कुछ सैनिक राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। उन्होंने सैनिकों की हिम्मत के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया, साथ ही उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। अब इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी सेना के हमले में एक स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया। ये स्कूल मिकोलाइव शहर में है। हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। स्कूल के बिल्डिंग में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा। हमले का ये वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब तक करीब 250 से ज़्यादा स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर चुका है। वहीं रूस का ये दावा है कि इन स्कूलों को यूक्रेनी मिलिशिया और यूक्रेनी सैनिक एक बंकर की तरह या एक स्टोर हाउस की तरह उसका इस्तेमाल कर रहे थे। वहां पर सिविलियन पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन यूक्रेन का ये दावा है कि रूस की इस बमबारी में कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कई सारे स्कूल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तबाही का ये मंजर मिकोलाइव से है, जहां पर रूस ने अपनी बमबारी तीव्र कर दी है। इस महायुद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस पर एक नया आरोप लगाया है। यूक्रेन का आरोप है कि व्लादिमीर पुतिन चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक मानव निर्मित त्रासदी करवाना चाहते हैं। ১৯৮৬ की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी रूस चेर्नोबिल और ज़ेपोरोजिया के मामले में लापरवाही दिखा रहा है। ज़ेपोरोजिया के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को एंजॉर्टन नाम की एक एजेंसी चलाती है। एंजॉर्टन ने दावा किया है कि रूस के सैनिक उसके कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चेर्नोबिल प्लांट में इस वक्त भी करीब 2000 से ज्यादा लोग हैं। 200 के करीब यूक्रेनी गार्ड भी प्लांट के अंदर मौजूद है। न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सैनिकों का पूरी तरह से कब्जा है। प्लांट के कर्मचारियों की शिफ्ट की अदला बदली नहीं हो पा रही है। प्लांट के अंदर ही कर्मचारियों के सोने के लिए अस्थाई कमरे बनाए गए हैं। प्लांट के कर्मचारियों को दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जा रहा है। कर्मचारियों को खाने के लिए सिर्फ रोटी और दलिया दिया जा रहा है। एक तरफ परमाणु संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत खराब है और दूसरी तरफ यूक्रेन की जेलेंस्की सरकार लगातार रूस के प्रेसिडेंट पुतिन पर संगीन आरोप लगा रही है। यूक्रेन का नया आरोप ये है कि पुतिन चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक मानव निर्मित त्रासदी करवाना चाहते हैं। दरअसल यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से बेलारूस के रास्ते चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में वैज्ञानिकों के नाम पर ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है ताकि प्लांट के अंदर वो बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सके और यूक्रेन पर फिर दबाव बनाया जा सके और दोष मढ़ा जा सके। कोई भी बम इन परमाणु संयंत्रों के अंदर नहीं गिरा है ताकि उनकी सुरक्षा को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, और एक जो बम गिरा भी है वो भी पेरिमीटर के बाहर, जिसमें बाहर से तो आग लगी है लेकिन परमाणु संयंत्र को किसी भी तरह का खतरा नहीं हुआ है। यह जो बम वर्षा हुई है इन संयंत्रों के पास में, मेरे ख्याल से वह यूक्रेन की सेना को वहां से हटाने और उसकी तरफ कंसंट्रेट न होने के लिए किया गया है ताकि रूस का इन परमाणु संयंत्रों पर पूरा कब्जा हो सके। यानी देखा जाए तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के नाम पर रूस और यूक्रेन शतरंज खेल रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स है जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल रखा है।
इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई खबर। यूक्रेन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां रूस की सेना एक सुपरमार्केट से खाने पीने का सामान लूटती हुई दिखी है। रूसी सेना की लूटपाट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां रूसी सेना एक बख्तरबंद गाड़ी में सुपरमार्केट पहुंची। बख्तरबंद गाड़ी के पीछे जी लिखा हुआ था। जी अक्षर को रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी सेना के समर्थक का प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। तस्वीर में रूसी सेना के दो जवान सुपरमार्केट में सामान ले जाते दिखे, वहीं एक जवान कैश काउंटर पर रुपए लूटते हुए देखा गया। इसके बाद ये जवान खाने पीने का सामान बख्तरबंद गाड़ी में ले जाते हुए देखे गए। रूस के साथ जारी जंग में जमीन पर वैसे तो यूक्रेन अकेला युद्ध लड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन दुनिया के कई देशों से उसे मदद मिल रही है, जिसने रूस को परेशान कर दिया है। अतिक्रमण अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया को वर्चस्व की लड़ाई के महायुद्ध में बदल दिया है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। के टैंक कीव के बाहरी इलाकों में दाखिल भी हो चुके हैं। कीव के किले पर रूस कभी भी कब्जा कर सकता है। कीव के आसपास भीषण लड़ाई चल रही है। रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव में भी भारी तबाही मचाई है। हालात ये हैं कि यूक्रेन पर हर 5 सेकंड में गोले बरस रहे हैं। कीव के आसपास की जमीन और आसमान पर रूसी फाइटर्स का कब्जा है, जो अपने रॉकेट लॉन्चर से आग बरसा रहे हैं और उनकी मिसाइलों ने तबाही मचा रखी है। रूस भले ही कीव को लगातार निशाना बनाकर वहां हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कीव के किले को गिरने नहीं दे रही है। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना और जनता पूरे शहर में मोर्चा बनाकर डटी हुई है और लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं। कीव की तरफ कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब एयर स्ट्राइक से दे रही है।